नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सेट्स हम देख रहे थे, ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों दो सेट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हो उन वीडियो को। चैनल पर अगर नए हो तो ऑफिशियल एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच इज द फर्स्ट स्टेट एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो दोस्तों भाषा के ऊपर बेस करके कौन सा स्टेट सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था, आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु या त्रिपुरा। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट। दोस्तों किस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, आसाम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा। आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा नागालैंड। आगे चलते हैं दोस्तों, द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल है, आप जानते हो। 9th शेड्यूल किस अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स आर इनिशिएटेड इन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर जो बिल्स है वो कहाँ पर इनिशिएट किए जाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, इधर हाउस मतलब कोई भी हाउस में हो सकता है, या राज्यसभा विथ प्रॉपर अप्रूवल ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा इधर हाउस, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन द ईयर। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पहला अमेंडमेंट किस साल में हुआ था, 1949, 1951, 1955 या 1960। तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा 1951। आगे चलते हैं दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस्ड कुलिनिज्म। दोस्तों कुलिनिज्म किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था, सामंत सेन, हेमंत सेन, बल्लाल सेन या लक्ष्मण सेन। आंसर दोस्तों इसका बल्लाल सेन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई। दोस्तों विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, देवपाल, गोपाला, धर्मपाल या महिपाल वन। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा धर्मपाल। आगे देखते हैं दोस्तों, द ऑथर ऑफ कादम्बरी वॉज। दोस्तों कादम्बरी का ऑथर कौन थे, आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बाणभट्ट। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्विज देना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डेली क्विजेज आपको मिल जाएंगे, क्विज देकर दोस्तों अपना परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु कॉन्स्ट्रक्टेड राजा राजेश्वरा टेम्पल। दोस्तों राजराजेश्वरा टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था, राजेंद्र वन, राजराजा वन, राजाधिराज वन या विराजेंद्र। तो दोस्तों आंसर हमारा इसका हो जाएगा राजराजा वन। आगे देखते हैं दोस्तों, हु रोट किताबुल रहला। दोस्तों किसने किताबुल रहला लिखा था, इबन बतूता इसका सही आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वन डिड चेंगिस खान इन्वेड इंडिया। दोस्तों चेंगिस खान इंडिया में किस साल में अटैक किया था, ऑप्शंस आप यहां पर देख सकते हो, 1211, 1221, 1399 या 1526। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1221 AD, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया। दोस्तों सुल्तान महमूद कितनी बार इंडिया पर अटैक किए थे, 12, 17, 5 या 20। आंसर दोस्तों हमारा 17 हो जाएगा। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं दोस्तों, इन विच ईयर द बैटल ऑफ तालीकोटा फोर्ट। दोस्तों तालीकोटा का बैटल किस साल में हुआ था, 1556, 1565, 1571 या 1581। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1565। आगे देखते हैं दोस्तों, अष्टदिग्गजस वायर पैटर्नाइज्ड बाय। अष्टदिग्गजस किसके द्वारा पैटर्नाइज्ड थे, देवराया वन, देवराया टू, वीरा नरसिम्हा या कृष्ण देवराया। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कृष्ण देवराया। आगे देखते हैं दोस्तों, हु लिफ्टेड जीजिया ऑन हिंदूज। दोस्तों हिंदूज के ऊपर जीजिया किसने लिफ्ट किया, आंसर दोस्तों इसका अकबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन थे, ह्यूम, एस एन बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी या दादा भाई नौरोजी। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा वोमेश चंद्र बैनर्जी, यानी कि डब्ल्यू सी बैनर्जी। आगे देखते हैं दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, सुचेता कृपलिनी, एनी बेसंत, कल्पना दत्त या सरोजिनी नायडू। आंसर इसका एनी बेसंत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हु फाउंडेड स्वदेशी भंडार इन 1897। दोस्तों किसने स्वदेशी भंडार फाउंड किया था 1897 में, सरला देवी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बिपिन चंद्र पाल। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं दोस्तों,
द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर। दोस्तों बंगाल का पहला पार्टीशन किस साल में हुआ था, 1900, 1902, 1905 या 1907? आंसर इसका 1905 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इन व्हिच ईयर स्वराज्य पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों स्वराज्य पार्टी किस साल एस्टेब्लिश हुआ था, 1922, 1925, 1930 या 1941? आंसर दोस्तों इसका 1922 हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आज का यही तक था, आगे भी हम दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट सेट्स आपके लिए लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।